अब बात जयपुर की, जहां धार्मिक संस्थाओं के साथ ही सामाजिक संस्थाएं भी कोरोना की जंग में भागीदारी निभा रही हैं। राधा स्वामी सत्संग भवन में 5000 बेड के कोविड केयर सेंटर की तर्ज पर और श्याम नगर विकास समिति ने पहल की है। सरकार के साथ मिलकर समिति वैशाली नगर में 500 बेड का कोविड सेंटर खोलने जा रही है। न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने पूरे कोविड केयर का जायजा लिया है और समिति से जुड़े लोगों से बात की है। क्या है तैयारियां, दिखाते हैं। कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। इस निराशाजनक माहौल में एक अच्छी तस्वीर राजस्थान से निकल कर आ रही है, वो भी जयपुर से, वैशाली नगर से। इन तमाम हालातों को देखते हुए अब जनता ने बीड़ा उठाया है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का। फिलहाल मैं जिस स्थान पर हूँ, यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वैशाली नगर में। यहाँ श्याम नगर विकास समिति ने तय किया है कि 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। खुद 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके 100 कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन मशीन खरीदेंगे। तमाम मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था खुद समिति करेगी, बाकी मेडिकल फैसिलिटी सरकार उपलब्ध कराएगी। और फिलहाल ये जो हॉस्पिटल है, ये 3 साल से बंद पड़ा था, इसके साथ समिति का MOU हुआ है। मेरे साथ प्रदीप गुलेरिया हैं, जो श्याम नगर समिति के अध्यक्ष हैं, वो पूरी विस्तार से बताएंगे। प्रदीप जी, जिन हालातों में आज देश गुजर रहा है, प्रदेश गुजर रहा है, लगातार जो खबरें आ रही हैं विचलित कर रही हैं हमको। लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन के अभाव में, बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आप लोगों ने आगे आकर ये बीड़ा उठाया कि अब ऐसे हालातों में कहीं किसी मरीज की जान ना जाए, बेड का अभाव नहीं रहे, तो किस तरह की तैयारियाँ समिति कर रही है? मैं प्रदीप गुगलिया, मैं श्याम नगर विकास समिति का अध्यक्ष हूं। हमारी समिति में करीब 2000 परिवार जुड़े हुए हैं। श्याम नगर जयपुर का एक विशिष्ट इलाका है। हम पिछले 35 सालों से यह समिति चल रही है। ये जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल अमर जैन हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, इस अमर जैन हॉस्पिटल को पिछले 3 साल से किसी कारण से ये बंद था। हमने जैन समाज से, मैं खुद भी जैन समाज से हूँ, उनसे रिक्वेस्ट की और ये हॉस्पिटल हम कोविड सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। यहाँ करीब 500 बेड तो आराम से हम डेवलप कर देंगे। हमारे पास बेसमेंट कहाँ बनाएंगे प्रदीप, ये भी बताएं। ये जो ग्राउंड फ्लोर है, इस प्रकार हमारे पास 5 फ्लोर हैं। और मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि प्रदीप जी जब पूरी विस्तार से बताएंगे कि समिति किस तरह पहल कर रही है, तस्वीरों के जरिए हम आपको ये भी बताते चलें कि किस तरह यहाँ 500 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार हो रहा है। तो 500 बेड यहाँ लगाए जाएंगे? जी सर, यहाँ हर फ्लोर पर करीब करीब 100-100 बेड लगेंगे। यहाँ पर हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन भी है और हम 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगी हुई है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई है और इलेक्ट्रिक और फुल्ली एयर कंडीशन माहौल है। एयर कंडीशन चल रहा है, आप महसूस कर सकते हैं। हमारे पास अलग से ICU का भी प्रोविज़न है, ज़रूरत पड़ने पर हम ICU भी चालू करेंगे, वेंटिलेटर्स भी लगाएंगे। अभी हमने यहाँ पर मॉडरेट केसेस के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाकर 500 बेड का हॉस्पिटल चलाने का प्रोविज़न किया है। आप बता रहे थे 100 बेड, यानी कि 100 बेड लगेंगे, इस तरह 5 मंजिल है ये जो? जी, ये 100-100 बेड हर फ्लोर पर लगेंगे। बेसमेंट में हमारा पार्किंग का प्रोविज़न है, बहुत अति आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर 200 बेड एक साथ लग सकते हैं। पूरा फ्लोर पूरा एक साथ एक ही हॉल है। 700 बेड तक की हमारी क्षमता है, लगा सकते हैं, बिल्कुल क्षमता है। कि ये जो आप बता रहे हैं कि 100 कंसंट्रेटेड मशीन जो ऑक्सीजन की आपने परचेज किए, ये आपके 2000 लोगों ने मिलकर खरीदी है, कितना खर्चा लगा इसमें आया है? केवल हमारी समिति ही नहीं, समाज के अन्य लोग, अन्य समाज के लोग, सब लोग मिलकर हमको सहायता कर रहे हैं। बहुत खुले दिल से सहायता हमको मिल रही है। हमारे साथ मेरे साथी माणक जी तालेरा, जो अमर जैन हॉस्पिटल से भी है, कमेटी से भी हैं, और अरविंद जी खुराना, जो श्याम नगर विकास समिति से हैं, तालेरा साहब श्याम नगर विकास समिति से हैं। हम सब लोग मिलकर, हाँ, पूरा समाज, पूरा श्याम नगर और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हमको सहयोग कर रही हैं। इस काम को करने में करीब हमको 2-3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और हमें खूब मिल रहा है। सब उसे 3 करोड़ रुपए खर्च होगा जी, लेकिन समिति पूरी तरह तैयार है, जनता पूरी तरह से तैयार है, जनता पूरी तरह तैयार है, आगे से आगे देने को तैयार है। और इस हॉस्पिटल के अंदर स्टरलाइजेशन वाली मशीन भी लगी हुई है, जो कि कोविड पेशेंट में आगे वो कोई भी सामान स्टरलाइज करने के लिए भी व्यवस्था है। अभी तक अपन ने कितने संसाधन जुटा लिए हैं?
अभी अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, राजस्थान सरकार करेगी, हमारी राजस्थान सरकार के जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं उन सबसे हमारा बातचीत हो चुकी है, एमओयू कर रहे हैं हम, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ अभी इस वक्त इंस्पेक्शन के लिए आ गए हैं, और वॉलेंटियर्स शामनगर विकास समिति देगी, खाना भी हम ही लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर बाकी व्यवस्थाएँ भी हमारे उसमें रहेगी, जो लोग दानदाता रहेंगे उनके लिए हम प्रोविज़न कर रहे हैं कि 20% बेड जो 500 बेड में से रहेगा वो उनके लिए रिजर्व रहेंगे दानदाताओं के रेफरेंस के लिए। नरोत्तम जी, एक बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मेरी बात चल रही थी, एक तो बेड यहाँ लगेंगे 5 के फ्लोर हैं, रूम है इनका भी अपन उपयोग करेंगे? बिल्कुल अपने जो ये रूम जो बनाए हैं उन रूमों के अंदर हमारे चिकित्सक साथी, हमारे नर्सिंग स्टाफ भी रूम में रहेगा, इसके अतिरिक्त रूम की सुविधा उन पर उपलब्ध है, तो जो ऐसे रूम भी तैयार करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जो थोड़े पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा है उन लोगों को, या जिनको गंभीर बीमारी परेशानी है उन लोगों को बेड लगा के उनकी देखभाल करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी बात है, जगह देख रहे हैं अभी हम, साफ से तय करेंगे और सरकार को इसका आज देखने के बाद बताएंगे, सरकार को जानकारी देंगे सुविधा क्या क्या उपलब्ध है यहाँ पर और क्या किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। जो कोविड मरीज आएंगे उनकी सेवा करेंगे, उनके परिजनों की सेवा करेंगे, यानी कि जब जनता तय कर ले, जब हाथ से हाथ मिल जाए जनता का, तो देश के ऊपर आया कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। ज़रूरत है जयपुर के वैशाली नगर से निकलने वाली ये तस्वीर देश के अन्य हिस्सों में भी नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। राजस्थान के बाद अब बात तमिलनाडु की, जहां वायरस का कहर मचा है। 24 घंटे में 15,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं, 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अपनों को बचाने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए किस तरह लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, घंटों तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक इंजेक्शन के लिए। हमारे सहयोगी श्री प्रपंच की ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 15,700 पार कर चुकी है और साथ ही साथ अगर देखा जाए मृतकों की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 100 छू चुकी है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कीलबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के लिए जो रिड्यूस करने वाली एसेंशियल ड्रग है रेमडेसिविर, उसको लेने के लिए एक लंबी कतार यहाँ पे खड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रेमडेसिविर जो ड्रग है वह लेने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में प्रिस्क्रिप्शंस है, ये प्रिस्क्रिप्शंस के ज़रिए यहाँ पे ये ड्रग लेकर वे अपने जो पेशेंट्स हैं उनको इनफैक्ट ये ड्रग देने के लिए आए हैं। हम बता दें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेमडेसिविर ड्रग बहुत ही एडिक्वेट क्वांटिटी में है, ये सारे लोग जो हैं इनफैक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनके पेशेंट्स हैं, वहाँ पे केस टू केस बेसिस पे रेमडेसिविर ड्रग दिया जा रहा है। अगर कोई इनफैक्ट पेशेंट है जिनको रेमडेसिविर ड्रग ज़रूरत पड़ रही है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे इनको सीटी स्कैन का एक कॉपी, उस पेशेंट के सीटी स्कैन का एक कॉपी, पॉजिटिव का एक सर्टिफिकेट, इनका आधार कार्ड, इनके जो पेशेंट हैं उनका आधार कार्ड सब लाकर यहाँ पे जब वे देते हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब यहाँ पे देते हैं तभी इनको रेमडेसिविर ड्रग दिया जाएगा। तो हालात भयावह हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।